अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। आज की स्टूडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया फैसला आ चुका है बहार 2022 के असाइनमेंट के हवाले से, जो कि आज की स्टूडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेमेस्टर के अंदर यानी कि स्प्रिंग 2022 के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है। यानी कि पहले सीएमएस का अकाउंट नहीं होता था, अब यूनिवर्सिटी ने सीएमएस का अकाउंट लेकर आई है। वर्कशॉप जो है वो एमएस टीम्स के ऊपर हो रही है। तो इसके अलावा काफी ज्यादा तुलबा परेशान हो चुके हैं कि सर हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें ब्रीफिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलती कि हमने असाइनमेंट किस तरह बनानी है, जमा किस तरह करवानी है। तो इसके हवाले से यूनिवर्सिटी के एक बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा जो तमाम तफसीलात है जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले ने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 10 हैं, 20 हैं या 25 हैं, सारे के सारे क्वेश्चन तुलबा ने लाजमी तौर पर लिखने हैं। उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री वाले, इन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो हाथ से लिखकर बाई पोस्ट अपने ट्यूटर को अरसाल करनी है। इन्होंने अपनी असाइनमेंट को स्कैन नहीं करना। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी असाइनमेंट को टाइप करना है। तो एडी वाले बीए बीकॉम को भी एडी कहा जाता है कुछ हद तक, और एडी एक अलग डिग्री भी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए बीकॉम वाले उन्होंने अपनी असाइनमेंट को बाई पोस्ट सेंड कर रहे हैं और उनकी जो डिग्री है उनको एडीपी कहा जाता है, और एडी जो डिग्री है वो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, कॉमर्स और बिजनेस, ये एक दूसरी डिग्री है। तो बीए बीकॉम वालों ने बाई पोस्ट सेंड करनी है, मैट्रिक एफए आईकॉम वालों ने भी बाई पोस्ट सेंड करनी है। उसके अलावा एडीपी यानी कि एडीई यानी कि एसोसिएट डिग्री एजुकेशन कॉमर्स बिजनेस बीएस 4 साल प्रोग्राम, बीएड 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, बीएड 4 ईयर, एमएमएससी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जितने भी प्रोग्राम है इनमें जिन स्टूडेंट्स के उर्दू वाले सब्जेक्ट होंगे उन्होंने उन असाइनमेंट को हाथ से लिखना है, हाथ से लिखकर स्कैन करके पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। और उसके अंदर नोट यह दिया गया है कि उसका जो साइज हो वो 5 MB से कम हो। अब ये नहीं कि उर्दू के जितने सारे प्रोग्राम हैं आपने उर्दू में ही लिखनी है, उर्दू प्रोग्राम नहीं, उर्दू सब्जेक्ट, जैसे कि उर्दू सब्जेक्ट है इस तरह इमरानियात सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है उर्दू वाले इसकी असाइनमेंट को आपने हाथ से लेकर स्कैन करके पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है एलएमएस अगाई पोर्टल के ऊपर। इनकी जो डेट्स हैं वो अभी तक यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं की। उसके अलावा जो इंग्लिश वाली असाइनमेंट है उन्होंने उसको असाइनमेंट को आप लोगों ने टाइप करना है। टाइप करने के बाद किसके अंदर टाइप करना है, आपने एमएस वर्ड के अंदर असाइनमेंट को टाइप करना है। फ्यूचर में आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि असाइनमेंट किस तरह टाइप करना है। असाइनमेंट टाइप करने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। उसके अलावा अरबी की जो असाइनमेंट है उसको भी आप हाथ से लेकर स्कैन करके पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फैसले आ चुके हैं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसी के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।